सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितिन वायरल व्लॉगिंग में। सो गाइस, अब मैं क्लासेस जा रहा हूँ तो आज बहुत जल्दी जा रहा हूँ मैं। सो गाइस, आज गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी। सो आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, यानी कि 26 जनवरी स्पेशल ये व्लॉग है। ज़्यादातर टाइम मतलब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, 7 बजे मतलब कोई ज़्यादातर गाड़ियाँ भी नहीं होती है, लेकिन आज ज़्यादा ही निकल रही है क्योंकि आज हमारे तिरंगे को सलामी देनी होती है। इसलिए मतलब कई लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं तो कुछ लोग कॉलेज जा रहे हैं, तो कुछ लोग बाहर ही मतलब झंडा वंदन मनाते हैं। अगर यहाँ से ऊपर से भगवा कलर निकल जाए और बीच में से वाइट कलर का एक आसमान हो जाए और नीचे से हरी कलर की झाड़ियाँ हो जाए तो बहुत मतलब एक तिरंगे टाइप हो जाएगा, तिरंगे जैसा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर वो कुत्ते को छेड़ दिया, कुत्ता लग गया पीछे उसके, काटने के लिए अब भी दौड़ रहा है उसके पीछे, मतलब छोड़ ही नहीं उड़ रहा है उसका पीछा। सभी विद्यार्थी जा रहे हैं स्कूल कॉलेज, आप देख सकते हैं। गाइस, मैंने रिपब्लिक डे पर एक फैक्ट बनाया है, फैक्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको फैक्ट वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दे दी है मैंने, तो वो फैक्ट वीडियो ज़रूर देखना, आपको जानकारी मिलेगी। यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस की एक ऐसी जानकारी आपको मिलेगी कि आपने कभी सुनी नहीं होगी, तो फिर वो ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पर आया था तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को सजाया जा रहा था, तो अभी साफ़ सुथरा तो कर दिया है, साइड में पट्टी वगैरह लगा दी है, आप देख सकते हैं कलरफुल पट्टियाँ। सो यहाँ पर ही अभी मतलब हमारे तिरंगे को फड़काया जाएगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे साइड में पट्टियाँ वगैरह लगाई गई हैं और यहाँ पर ही झंडा वंदन होगा। स्कूल के विद्यार्थी परेड के लिए निकल रहे, सो बहुत खूबसूरत लम्हा होता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह बहुत खूबसूरत फूल है, तो बहुत लाजवाब दिख रहे हैं। मैं सर से पूछा था कि क्लास है कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि क्लास होगा, सो अब मैं क्लासेस जा रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, तो अभी यहाँ पर रोड वगैरह सब कुछ बना दिया है, यहाँ से एक नाली बना दी है, तो यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह पड़ गई है, सो यहाँ पर कुछ बंधेगा। कहा जा रहा था कि ये 11 करोड़ में ये प्रॉपर्टी बिकी थी, सो अभी बहुत खूबसूरत लग रही है। कल से बादल बहुत छाए हुए हैं क्योंकि कल जालना में बारिश हुई थी। गाइस, यहाँ पर बहुत कुछ मतलब बदल गया है क्योंकि यहाँ पर एक घर भी था, वो भी तोड़ दिया है, तो यहाँ पर कुछ पौधे थे, पेड़ पौधे, वो भी तोड़ दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी खड़े हो गए हैं परेड और राष्ट्रगीत के लिए। नसीब से हमें एक बेंच मिल गया था तो फिर उसी पर बैठ गए। सो गाइस, हमारे कॉलेज के साइड में ही हाईवे पर ये रोड का काम चालू था, तो इस पर गोनिया वगैरह रख दी है ताकि ये अच्छे से पानी सोख सके। सो गाइस, मैं अभी घर पर आ चुका था, फिर मैं क्लासेस से सीधे कॉलेज चला गया था क्योंकि मेरा दोस्त आ गया था, तो फिर उसके साथ ही चला गया मैं। सो गाइस, आपको ये व्लॉग देखकर कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।